News 18, इंडिया पर सारी चीजें पहले से तय है और जैसा अमित बता रहे हैं कि जेपी नड्डा अपने बाकी कार्यक्रम भी निपटा रहे हैं, यानी जो जो मन की बात है जहां वो मौजूद है, पीछे देखिए एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है और उसमें क्या बताया गया है कि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मन की बात करने वाले हैं उस मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसका मतलब कि वो वहां अपने सारे कार्यक्रमों को निपटाएंगे, उसके बाद रुख वो करेंगे पटना का और ये टाइम होगा 4 से 4:30 के आसपास का जब शपथ ली जाने वाली है। 4 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, 3 तस्वीरें इनफैक्ट आपके सामने इस वक्त, और ये देखिए एक बार फिर से कैमरा पर्सन वहां दिखाई दे रहे हैं कुछ तस्वीरें खींचते हुए कहां जहां चंद्रमोहन मौजूद है। चंद्रमोहन, अचानक सुगबुहाट बड़ी। बिल्कुल, देखिए अभी एक ट्रक गया है अंदर में, जहां जिसमें कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी वही ट्रक अंदर गया है, तो जो विधायक यहां पर पहुंचे हैं उनके नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था कर ली गई है और इंतज़ार अब ये हो रहा है कि जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद बीजेपी की विधायक और जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद उस मीटिंग में नीतीश कुमार को NDA विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो अब इंतज़ार बस सिर्फ उस घड़ी का है जब वहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायक नेता पहुँचेंगे और उसके बाद फिर इस राजभवन में नीतीश कुमार जाएंगे। पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार की नाराजगी आज से 1.5 महीना पहले जब पहली बार सामने आया था उसी समय यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन में नहीं रहने वाले हैं। नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के सामने यह कहा था कि 2005 से पहले बिहार में क्या था ये सब कोई जानता है और उसी समय यह तय हो गया था कि नीतीश कुमार शायद अब महागठबंधन में रहने वाले नहीं हैं। और उसके बाद एक के बाद एक तेजस्वी यादव के सामने कई बार नीतीश कुमार ने यह दोहराया कि 2005 से पहले बिहार में क्या होता था, ये सबको जानकारी है। आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता है, आप बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जहां ये शुरुआत हुई थी, इनफैक्ट जुलाई में वो सुगबुगाहट नजर आने लगी थी जब प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी थी और ये तबादले या ये जो RJD की तरफ से फैसले लिए गए थे उसे, उस फाइल को अंडू कर दिया गया CM की तरफ से और तभी ये एहसास हो गया था कि नॉट एवरीथिंग इज वेल। और फिर फुल स्टॉप जो लगा है वो राजभवन में हाईटी का जो कार्यक्रम था 26 जनवरी को, वहां पर सब पहुंचते हैं लेकिन कोई नहीं पहुंचता है तो वो उप मुख्यमंत्री है यानी तेजस्वी यादव। और उसके बाद ये तलखी साफ तौर पर नजर आने लगी और ये पता लग गया कि एक बार फिर से 2020 वाली जो तस्वीर है वो दिखाने की पूरी कोशिश JDU की तरफ से और BJP की तरफ से हो गई है। मैं आप तीनों को कुछ देर के लिए रोकना चाहती हूं इसलिए क्योंकि कुछ और बड़ी खबरें आ रही है, जैसे अब इंडी गठबंधन को लेकर क्या होगा। बार बार ये जानकारी दी जा रही थी कि इंडी गठबंधन इंटैक्ट है, उसमें किसी तरह की कोई दरार नहीं पड़ी है, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बस बातचीत चल रही है। अरुण कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं रुक करती हूँ। अरुण नहीं रूबिका, मैं तो बस एक तस्वीर आपको दिखाते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक अंदर हैं लेकिन बाहर भी नाश्ता लगा है, अंदर भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो तो यहाँ से खा पी के जाने वाले हैं। नीतीश कुमार का जो नाश्ता है अब वो देखना होगा कि डबल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आज मिलने वाली है उसका कितना लाभ उठाते हैं और कौन कौन उसमें से जो मुंह मीठा करके जाएंगे मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरुण, हम दोबारा आपका रुख करने वाले हैं। ये बात सिर्फ नाश्ते भर की नहीं है, ये बात है रास्ते की। रास्ता कौन सा 2024 का, क्या खबर थी? खबर यह थी कि एक इंटरनल सर्वे आया है, सूत्र बता रहे हैं और मैं जानती हूं कि अमित, अरुण और चंद्रमोहन इस बात पर मोहर लगाएंगे। सूत्रों ने कहा कि एक इंटरनल सर्वे BJP की तरफ से करवाया गया और उस सर्वे में पता चला कि पिछली बार जो लोकसभा चुनावों में मजबूती मिली थी NDA को वो BJP को इस बार बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जो EBC है यानी अति पिछड़ा वर्ग और OBC है और मुस्लिम और यादव समीकरण, ये सब पुख्ता जब हो जाएंगे तो BJP के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और इसीलिए ये रास्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। BJP ने माना कि कुछ भी हो जाए बिहार के किसी ऐसे फॉर्मूले पर काम करना होगा कि पिछली बार जो हमने यानी 40 में से 39 मिली थी अमित पिछली बार लोकसभा की सीटें, और ये कहा जा रहा था कि नहीं ये 20 तक सिमट सकती है, तो बेहतर यही होगा कि ऐसा रास्ता निकाला जाए कि फॉर्मूला टूट जाए, EBC OBC मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन।
जी बिल्कुल रूबिका, क्योंकि जो एक किशनगंज की सीट थी उसको छोड़कर बाकी को एनडीए को पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बम्पर सफलता मिली थी, तो उसी को दोहराना है। और 40 out of 40 की जो स्कीम है इसमें नीतीश कुमार इस पूरे प्लान में बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि अब जो जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि जो अब ये अरेंजमेंट अलाइनमेंट बातचीत समझौता हुआ है ये परिस्थितियों के मुताबिक नहीं हुआ है, ये बीजेपी की शर्तों के मुताबिक हो रहा है। इसका मतलब कि उनके जो नेता हैं पहले से ही पिछले 1.5 साल से जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे उनको फीडबैक मिला था, और नीतीश के आ जाने के बाद उनको सरप्लस मिलेगा, उनको एक ताकत मिलेगी जब लोकसभा चुनाव में वो उतरेंगे, क्योंकि उनका एक और साथी बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ जो उन्होंने पिछले 1.5 साल में ग्राउंड वर्क किया है जमीनी लेवल पर, बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार में खासकर जो पहुंचे हैं, एक शक्ति मिलेगी उनको, और अपने शर्त पर वो शक्ति का वो आकलन करेंगे, वो लड़ेंगे ताकि जो सफर एक सीट और इसीलिए तो ये फॉर्मूला जो है निकाला गया है। लेकिन अमित ये मान लीजिए, अरुण आप भी मान लीजिए, चंद्रमोहन आप भी मान लीजिए, मतलब खूब राजनीति आप लोगों ने कवर की होगी, लेकिन नीतीश बाबू ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है कि कोई गठबंधन रहे, कोई अलायंस रहे, कोई सरकार रहे, कोई मौसम रहे, कोई साल रहे, किसी का कोई नंबर रहे, मुख्यमंत्री भाई अपन ही रहेंगे। और ये फॉर्मूला आज भी दिख रहा है साफ तौर पर। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे तीनों अनुभवी साथी सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, हर खबर आपको पुख्ता तौर पर पहुंचाएंगे, यकीन मानिए न्यूज 18 इंडिया पर। आजाद मैदान की तरफ जाने वाले रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया, वहां गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन लोग पैदल ही उस तरफ जाते नजर आए। इसके बाद तो मुंबई के कई इलाकों की सूरत बदल गई, और अगर कुछ सुनाई दिया तो वो थे मराठा आरक्षण के समर्थन में नारे। मुंबई की सड़कों पर यह हंगामा बगैर मनोज जरांगे पाटिल के ही मचा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो ये ऐलान किया कि वो सरकार को 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं और तब तक वो अपने समर्थकों के साथ नवी मुंबई में ही रुकेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी कि अगर सरकार ने तय वक्त तक उनकी मांग न मानी तो उनके समर्थकों को मुंबई पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उनके इसी ऐलान के बाद महाराष्ट्र पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल के कहने पर महाराष्ट्र के कोने कोने से उनके समर्थक मुंबई पहुंचने लगे, और पुलिस को ये डर सताने लगा कि कहीं हालात काबू से बाहर ना हो जाए। इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल के काफिले पर अपनी नजरें गड़ा दी, इसके लिए ड्रोन का सहारा तक लिया गया। इसके साथ ही मुंबई की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, और वहां लगे कैमरों के जरिए हर हलचल पर नजर रखी जाने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नवी मुंबई में मौजूद जरांगे पाटिल के कई समर्थक वहां की सड़कों पर जमा हो गए, और फिर ये अंदेशा लगाया जाने लगा कि वो किसी भी वक्त मुंबई की तरफ बढ़ सकते हैं। सैकड़ों हजारों कार जो मराठा हैं उन्हें अब मुंबई कुछ करने वाले हैं। इसी भीड़ को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ को संभालना कोई खेल नहीं था। उस पर भी परेशानी तब और बढ़ गई जब मुंबई में लोगों के आने के सिलसिले ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, मतलब पुलिस रास्ते पर रास्ते बंद कर रही थी और भीड़ मुंबई में घुसती चली आ रही थी। यही वजह रही कि महाराष्ट्र पुलिस ने उस भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया,